गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने IUPAC नामकरण से संबंधित सभी नियम है वो कंप्लीट कर लिए थे और अपन ने कुछ महत्वपूर्ण काल्पनिक यौगिकों के नाम भी लिखे थे जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। आज अपन कुछ एक और एग्जाम्पल्स हैं वो करते हैं। ये जो कार्बनिक यौगिक है इसका सामान्य नाम होता है नियोपेंटेन। देखिए CH3 को अपन इस टाइप से लिख सकते हैं CH2H। तो ऐसा लिखने से ये जो कंडीशन है वो क्या है, नियो कंडीशन है। तो इस कंडीशन के लिए नियो टोटल कार्बन 5 एंड सिंगल बॉन्ड के लिए N। अब देखिए अपन अब करेंगे इसका IUPAC नाम। IUPAC नाम में सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, तो ये मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गई 3 कार्बन की, और फिर अंकन करते हैं। अंकन के लिए देखिए यहाँ पे प्रतिस्थापी है वो भी दोनों के दोनों मैथिल। अब इधर से करेंगे तब भी मैथिल प्रतिस्थापी को 2 नंबर मिलेगा, इधर से करेंगे तब भी मैथिल प्रतिस्थापी को 2 नंबर मिलेगा। तो अंकन इधर से भी कर सकते हैं। अब अपन नाम लिखेंगे, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम। अब प्रतिस्थापी मैथिल है वो भी कितने है? 2। और कितने नंबर कार्बन पे? 2 नंबर कार्बन। तो 2 2 दो बार, 2 के लिए डाई, और CH3 को प्रतिस्थापी के रूप में कहते हैं मैथिल। प्रतिस्थापी के नाम के बाद में मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या का संकेत। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला में 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, और कार्बन कार्बन के बीच बंद सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए N। तो नियोपेंटेन का IUPAC नाम हो गया 2-2 डाइमेथिल प्रोपेन। ये कार्बनिक यौगिक है मुख्य कार्बन श्रृंखला, ये हो गई 5 कार्बन की। अब अंकन करेंगे तो अंकन के लिए देखिए यहां पे 2 चीजें हैं, एक तो क्रियात्मक समूह है। अब देखिए क्रियात्मक समूह है Cl साइनाइड, और इसका जो कार्बन है वो श्रृंखला के साथ सीधा जुड़ा है इसलिए इसके कार्बन को श्रृंखला में शामिल किया है। अब अंकन के लिए एक तो क्रियात्मक समूह है और
एक है प्रतिस्थापी। तो अंकन के लिए क्रियात्मक समूह और प्रतिस्थापी समूह में वरीयता मिलती है किसको? क्रियात्मक समूह को। तो अंकन उधर से किया जाएगा जिधर से क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले। तो ये जो कार्बन है ये श्रृंखला में शामिल है, तो ये पहला कार्बन हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब नाम लिखेंगे, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम। अब यहाँ प्रतिस्थापी है दो, वो भी अलग अलग, ये दिया ब्रोमो और ये सीएल क्लोरो। तो ब्रोमो की स्पेलिंग बी से स्टार्ट होती है, इसलिए पहले लिखा जाएगा ब्रोमो। ब्रोमो है तीन नंबर पे, तो थ्री ब्रोमो, क्लोरो है चार पे, फोर क्लोरो, पांच कार्बन के लिए पेन और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के लिए ए पेंटेन। अब लास्ट में क्रियात्मक समूह जो है सीएल, और सीएल को आईयूपीएसी में अनुलग्न के रूप में कहते हैं नाइट्राइल, और ये फर्स्ट कार्बन पे है वन नाइट्राइल। तो इस प्रकार इस कार्बन यौगिक का आईयूपीएसी नाम हो गया थ्री ब्रोमो फोर क्लोरो पेंटेन वन नाइट्राइल। ये जो कंडीशन है ये अपने सामान्य नाम में बताया था, सामान्य नाम में इस कंडीशन को कहा जाता है एलिक। ये कौन सी कंडीशन है? एलिक कंडीशन। सामान्य नाम में एक तो बताई थी वायलिन, ये कंडीशन थी वायलिन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 कहा था वायलिन, और CH2 डबल बॉन्ड CH2 को कहा था एलिलिक। तो ये कंडीशन है एलिलिक। अब यहां पे लगा दिया CL, तो ये हो गया एलिलिक क्लोराइड। तो इस कार्बनिक यौगिक का सामान्य नाम है एलिलिक क्लोराइड। अब अपन लिखेंगे इसका आईयूपीएसी नाम। तो देखिए यहां पे मुख्य कार्बन श्रृंखला ये हो जाएगी, कितने कार्बन की? तीन कार्बन। अब ये जो सी है ये क्लोरीन का है, कार्बन नहीं है, इसको शामिल मत कर लेना। अब देखिए ये तीन कार्बन की श्रृंखला आ गई। अब यहां पे जो महत्वपूर्ण है वो है कार्बन का अंकन। अब देखिए यहां पे दो चीजें हैं, एक तो डबल बॉन्ड और एक सीएल को क्या माना जाता है? प्रतिस्थापी। और अपन को पता है डबल बॉन्ड और प्रतिस्थापी में अंकन के लिए वरीयता मिलती है किसको? डबल बॉन्ड को। तो अंकन है वो किसके आधार पे होगा? डबल बॉन्ड के आधार। तो अंकन उधर से करेंगे इधर से डबल बॉन्ड को कम से कम अंक मिले। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड। यदि आप यहां पे अंकन कर देते हो सीएल की तरफ से तो ये गलत हो जाएगा। अंकन है वो डबल बॉन्ड के आधार पर इधर से होगा। तो ये अंकन हो गया। अब अपन नाम लिखेंगे। नाम पे सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम, तो प्रतिस्थापी है सीएल, कितने नंबर कार्बन पे? तीन नंबर कार्बन पे, तो थ्री क्लोरो। श्रृंखला में तीन कार्बन है, तीन कार्बन का संकेत प्रॉप। फिर बंध का प्रकार
तो ये हो गया थ्री क्लोरो प्रॉप वन ई, या आप इसको ये भी लिख सकते हो थ्री क्लोरो प्रोपेन। अपने कहा था डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या क्रियात्मक समूह एक नंबर कार्बन पे होता है तो उस एक पोजीशन को शो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं थ्री क्लोरो प्रोपेन। अब देखिए ये कार्बन ये लिख है, अब ये वाली जो कंडीशन है CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको अपन सामान्य नाम पे कहते हैं वायलेट और CL के लिए क्लोराइड। तो ये है वायलेट क्लोराइड और ये जो कार्बनिक यौगिक आप देख रहे हो ये PVC बहुलक की एकल इकाई होती है, पीवीसी बहुलक की एकल इकाई है। अब इस वायलेट क्लोराइड का लिखेंगे IUPAC नाम। तो देखिए यहां पे कार्बन संख्या हो जाएगी दो कार्बन की। अब यहां पे अंतर है उसके लिए देखिए, यहां एक तो डबल बॉन्ड है और एक प्रतिस्थापी है, अंकन के लिए वरीयता देते हैं इसको डबल बॉन्ड को, लेकिन यहां पे अंकन डबल बॉन्ड के आधार पे नहीं होगा। कैसे? डबल बॉन्ड को इधर से भी एक नंबर मिल रहा है और इधर से भी एक नंबर मिल रहा है, डबल बॉन्ड को दोनों तरफ से समान अंक मिल रहे हैं और यहां डबल बॉन्ड के अलावा प्रतिस्थापी भी मौजूद है। अब डबल बॉन्ड को दोनों तरफ से समान अंक मिल रहा है तो अब अंकन किसके आधार पर होगा? CL प्रतिस्थापी आधार, और अंकन उधर से होगा जिधर से CL को कम से कम अंक मिले। तो ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, तो ये यहाँ पे अंकन है उसका ध्यान रखना। यहाँ पे अंकन इधर से कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अब देखिए वायलेट क्लोराइड का IUPAC नाम लिखते हैं, सबसे पहले प्रतिस्थापी क्लोरो है, कितने नंबर कार्बन पे? एक नंबर कार्बन वन क्लोरो, फिर श्रृंखला में कार्बन है दो, दो के लिए एक, और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उसके लिए तीन। तो वायलेट क्लोराइड का IUPAC नाम हो गया वन क्लोरो एथीन। तो पीवीसी बहुलक में जो एकलक होती है वायलेट क्लोराइड उसका IUPAC नाम होता है वन क्लोरो एथीन। यहां पे फिर से अपन ने एलिलिक कंडीशन ले ली, ये इतने को अपन क्या कहते हैं एलिलिक। अभी एलिलिक के साथ जोड़ा था CL जो प्रतिस्थापी होता है, और यहां एलिलिक के साथ है OH जो कि क्रियात्मक समूह होता है। इसका देखिए इसका सामान्य नाम एलिलिक और OH के लिए एल्कोहॉल। तो एल्लिक एल्कोहॉल तो इसका क्या है? सामान्य नाम है। अब इस एल्लिक एल्कोहॉल का अपन लिखेंगे IUPAC नाम। तो देखिए कार्बन संख्या हो जाएगी तीन कार्बन की। अब अपन अंकन करेंगे, अंकन के लिए यहां एक तो डबल बॉन्ड है और एक क्रियात्मक समूह है। तो डबल बॉन्ड और क्रियात्मक समूह में अंकन के लिए वरीयता दी जाती है किसको? क्रियात्मक समूह को। तो अंकन इधर से होगा पहला दूसरा और ये तीसरा का। अब देखिए नाम लिखेंगे, नाम में सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम
यहाँ पे नहीं है। उसके बाद श्रृंखला में कार्बन की संख्या 3 है तो प्रॉप, फिर बंद का संकेत, अब बंद है कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, और 2 3 और OH है 1 नंबर पे। OH को अनुलग्न के रूप में कहते हैं ऑल। तो एल्डिक एल्कोहल का यूपीसी नाम हो गया प्रॉप 2-1 ऑल।
और यदि अब आपको पहले आइसोब्यूटाइल्डिहाइड का इंप्रेशन आ गई थी तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की जगह क्या आ गया, पहली आई तो यहां कार्बोक्सिलिक अम्ल की जगह अपन कर देंगे कौन सा ग्रुप, पहली है सी डबल ओ एच। आप देखिए इसका इंप्रेशन नाम आइसोब्यूटाइल्डिहाइड का फॉर्मूला हो गया। पहला दूसरा तीसरा प्रतिस्थापी मैथिल है, टू मैथिल तीन कार्बन के लिए प्रॉप सिंगल बॉन्ड के लिए ए। अब यहां क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड जिसका अनुलग्न होता है एल, वन एल तो इसका इक्वेशन हो गया टू मैथिल प्रोपेन वन एल, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं टू मैथिल प्रोपेन एल। ये एक नंबर पे है क्रियात्मक समूह, इस एक को नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा, तो ये हो जाएगा टू मैथिल प्रोपेन एल। तो ये आइसोब्यूटाइल्डिहाइड का इंप्लीसिट नाम है टू मैथिल प्रोपेन एल। ये आइसो कंडीशन है CH3 CH CH3
और CH के साथ अल्कोहल है तो OH, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये फॉर्मूला हो गया आइसोप्रोपिल अल्कोहल का। मुख्य कार्बन श्रृंखला में तीन कार्बन OH है, वो किधर से कर लीजिए, दो नंबर पे आ रहा, तो तीन कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए N, प्रोपेन। अब सबसे पहले वैसे प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, यहां प्रतिस्थापी एब्सेंट है, तो सीधी कार्बन की संख्या, श्रृंखला में तीन कार्बन प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए N, लास्ट में क्रियात्मक समूह OH, कितने नंबर पे है, दो पे। तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल का यूपीएससी नाम हो गया प्रोपेन टू ऑल। अब अपन यूपीएससी नाम लिखेंगे किसका, आइसोब्यूटिल अल्कोहल। अब आइसो कंडीशन है यही होती है CH3CH CH3। अब ब्यूटिल यानी कितने कार्बन, चार कार्बन, तीन तो आइसो में हो गए, एक और कार्बन, चार गए, तो ये आइसो ब्यूटिल हो गया अल्कोहल, आगे क्रियात्मक समूह हो जाएगा OH। तो ये फॉर्मूला है किसका, आइसोब्यूटिल अल्कोहल का। अब देखिए इसका यूपीएससी नाम लिखते हैं, तो ये तीन कार्बन की श्रृंखला हो गई, यहां एक प्रतिस्थापी है और एक क्रियात्मक समूह, तो ये अंकन क्रियात्मक समूह के आधार पर, पहला कार्बन, दूसरा और ये तीसरा। अब देखिए यहां पे सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम जो है दो नंबर कार्बन पे, और टू मेथिल, श्रृंखला में तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, प्रोपेन, OH है एक नंबर पे, आइसोब्यूटिल अल्कोहल का यूपीएससी नाम हो गया टू मेथिल प्रोपेन वन ऑल। यदि अगर को कह दिया जाए आईयूपीएससी नाम लिखिए अल्कोहल, तो देखिए यहां पे जो द्वितीय कंडीशन है सेकेंडरी, उसका मतलब क्या है, यानी जो अल्कोहल है क्रियात्मक समूह OH, वो जुड़ा है कैसे कार्बन से, द्वितीय मतलब 2 डिग्री कार्बन से, और 2 डिग्री कार्बन ऐसा कार्बन होता है जो डायरेक्टली दो कार्बन के टच में, तो ब्यूटिल मतलब चार कार्बन, तो ये चार कार्बन की श्रृंखला हो गई, और अल्कोहल है वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो अल्कोहल समूह OH को या तो इस कार्बन से जोड़ दीजिए या इस कार्बन से जोड़ दीजिए, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, किसी भी कार्बन से जोड़ दीजिए, तो ये फॉर्मूला हो गया इसका द्वितीय ब्यूटिल अल्कोहल। OH है वो किस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन के टच में है, तो ये कार्बन कैसा हो गया, 2 डिग्री। OH 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, इसलिए द्वितीय, चार कार्बन ब्यूटिल OH के लिए अल्कोहल। अब देखिए इसका आईयूपीएससी नाम लिखेंगे, तो देखिए
यहाँ पे श्रृंखला हो गई चार कार्बन की। अब अंकन करेंगे यहाँ ओनली कौन है क्रियात्मक समूह, तो OH को इधर से तो मिलेगा तीन नंबर, इधर से मिलेगा दो नंबर, तो अंकन इधर से करेंगे पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा। अब नाम लिखेंगे प्रतिस्थापी है नहीं, श्रृंखला में चार कार्बन है ब्यूट सिंगल बॉन्ड के लिए ए ब्यूटेन और OH दो नंबर पे है टू ऑल, द्वितीय क्विंटल एल्कोहल का आईएमपीसी नाम हो गया ब्यूटेन टू ऑल। ऐसे काल्पनिक यौगिकों के IUPAC नाम थे
जिनमें क्रियात्मक समूह संख्या में कितना हो? एक। इन सभी में क्रियात्मक समूह संख्या में कितना था? एक। अब कल अपन ने कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिकों के नाम भी किए थे जिनमें क्रिया समान क्रियात्मक समूहों की संख्या दो या दो से अधिक थी। अगली क्लास में अपन ऐसे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करेंगे जिनमें दो या दो से अधिक अलग अलग क्रियात्मक समूह, ऐसे कार्बनिक यौगिकों के नाम करेंगे अगली क्लास में जिनमें दो या दो से अधिक अलग अलग क्रियात्मक समूह, तो वहां पे एक नियम है वो अलग से आएगा, वो अगली क्लास में बताएंगे। थैंक यू।